क्या आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन का पासवर्ड भूल गए हैं, या एक्सीडेंटली आपसे रिप्लेस हो गई, या कुछ भी मसला अगर आपके साथ बन गया बट अभी आपको नहीं पता चल रहा कि वो आपको किस तरह से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, तो बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे चैनल पे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से cPanel के थ्रू आप अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। जी हाँ, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाय गाइस, आई एम अजी संधू फ्रॉम डिजिटल स्पाइडर्स, और आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप cPanel के थ्रू अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। काफ़ी सिंपल और इजी मेथड है जिसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। अगर तो आपकी आज अगर आप आज ये मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आई होप इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने cPanel में लॉगिन हो जाना है। जो भी आपका cPanel है, cPanel को आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे, आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो आपको पता होगा cPanel क्या है। तो जैसे ही आप अपने cPanel में लॉगिन हो गए तो आपको कुछ इस तरह से कोई स्क्रीन नजर आएगी। अब cPanel में आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली आपने रिसर्च करना है PHP माई एडमिन। जी हाँ, आप सिंपली PHP माई एडमिन पे क्लिक करें और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। बेसिकली ये आपका PHP माई एडमिन है, जहाँ पे आपके आपकी वेबसाइट का जो है डाटा जो है स्टोर होता है। जी हाँ, यहाँ पे आप साइड बार पे देख सकते हैं कि आपके टॉप पे देख लेना कि आपकी जो डेटाबेस कौन सी, आपने सिंपली अपनी डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, आपने सिंपली क्या करना है, आपने यूज़र्स के ऊपर क्लिक कर देना है। लास्ट वाली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है यूज़र्स पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यूज़र नेम जो भी है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। देन उसके बाद आपका यूज़र पास, बट ये अभी डिफरेंट फॉर्मेट में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका यूज़र पास है, ये बाय डिफॉल्ट जो ऑलरेडी आपका पासवर्ड बना हुआ है वो पड़ा हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपने MD5 को जो है चेक करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने MD5 को क्लिक करना है। और देन उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है, टक टक टक, जो भी आपने नया पासवर्ड रखना है आप उसे रख सकते हैं। और देन उसके बाद आपने गो के ऊपर क्लिक कर देना है। जी हाँ, काफ़ी सिंपल और ईजी मेथड है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ इस चीज़ों का नहीं समझ आ रही तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आई होप मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा उसका आंसर कर सकूंगा। तो चलिए, आपको मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।